हाँ जी, वीडियो फोर ऑफ प्री एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ। हम लोग ऑलरेडी थ्री वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं, आई थिंक आप वो सारी वीडियोस देख भी चुके हैं। गाइस, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियोस आपके प्री एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो प्री एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, अगर इन वीडियोस रिलेटेड नोट्स चाहिए, मैं दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ और हर क्लास में रिमाइंड करवाता हूँ कि अगर इन वीडियोस रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर जो भी हमारी फ्री वीडियोस होती है या फ्री नोट्स होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मस्ट जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ग्रुप का। अदरवाइज़ हमारी वेबसाइट deepgyan.com पर लिंक अवेलेबल है और उस लिंक के थ्रू आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने के लिए दिए थे कि भाई स्टूडेंट्स खुद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, राइट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए व्हाट्सएप पर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर ठीक भी थे, राइट। लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स खुद से ट्राई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्री एग्जीक्यूटिव को भी कंसिडर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कब तक प्री एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं, लास्ट डेट क्या है। देखिए, प्री एग्ज़ाम्स के लिए कोई लास्ट डेट नहीं है। आपको जब भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए, जैसे मान के चलिए आपको मॉड्यूल वन का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है, तो मॉड्यूल वन के सारे सब्जेक्ट्स के प्री एग्ज़ाम्स क्लियर होने चाहिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले। जैसे 25 मार्च अगर लास्ट डेट है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने की जून अटेम्प्ट के लिए, तो जी 25 मार्च तक आपके सारे प्री एग्ज़ाम्स क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है जी, आइए जी, ये कुछ क्वेश्चंस, पहले तीन या चार क्वेश्चंस ऐसे जो कि लास्ट क्लास में आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे, तो पहले वो डिस्कस करेंगे फिर आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एवरी पार्टिसिपेंट शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर द रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी आइटम ऑफ बिजनेस ऑन एजेंडा, एवरी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू अवॉइड फेलियर ऑफ वीडियो और ऑडियो विजुअल कनेक्शन, इफ अ मोशन इज ऑब्जेक्टेड टू एंड देयर इज अ नीड टू पुट इट टू वोट, द सेक्रेटरी शैल कॉल द रोल एंड नोट द वोट, After completion of the meeting, the minutes shall be entered in the minute book as specified under section 118 of the Act. तो जी क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? क्वेश्चन रिलेटेड है वीडियो मीटिंग से रिलेटेड, राइट, जो कि बेसिकली ऑडियो वीडियो के थ्रू मीटिंग्स होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, राइट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हम कहते हैं कि हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग की जा रही है डायरेक्टर्स की, तो उसके अंदर पूछा गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहली चीज़ देखिए, लास्ट वाली स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो कहा गया है कि जी मीटिंग कंप्लीट होने के बाद मिनट्स मिनट बुक में एंटर करने पड़ेंगे एज पर सेक्शन 118, तो ये तो करेक्ट है। चाहे मीटिंग हो रही है फिजिकली प्रेजेंट होकर या फिर ऑडियो वीडियो के थ्रू मीटिंग हो रही है, राइट, तो मिनट बुक्स में तो मिनट्स एंटर करने ही पड़ेंगे, मिनट्स तो बनाने पड़ेंगे हर मीटिंग के एज पर सेक्शन 118, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर जी एवरी पार्टिसिपेंट शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर द रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी आइटम ऑफ बिजनेस ऑन एजेंडा, जब सारे डायरेक्टर्स एक दूसरे के सामने नहीं बैठे और बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हो रही है, तो हर एजेंडा पर बोलने से पहले डायरेक्टर को पार्टिसिपेंट को अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है कि जी मैं मिस्टर एक्स बोल रहा हूँ, राइट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एवरी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू अवॉइड फेलियर ऑफ वीडियो और ऑडियो विजुअल कनेक्शन, बट ऑब्वियस सी बात है जब कंपनी मीटिंग ऑडियो वीडियो मींस के थ्रू करवा रही है, ऑडियो वीडियो कनेक्शन के थ्रू करवा रही है, वीडियो कनेक्शन के थ्रू करवा रही है, मतलब जिसे हम कहते हैं ई मीटिंग, राइट,
तो उस केस में कंपनी की ड्यूटी बनती है सारे अरेंजमेंट्स करना कि भैया कनेक्शन फेल ना हो, बीच में मीटिंग ब्रेक ना हो जाए। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब जी ये वाली स्टेटमेंट को एनालाइज करें हम, तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ द मोशन इज़ ऑब्जेक्टेड, अगर किसी मोशन के लिए ऑब्जेक्शन रेज़ किया जाता है और फिर वोटिंग की बारी आती है कि चलिए बताइए कौन कौन फेवर में है कौन कौन अगेंस्ट है, तो वोटिंग के टाइम पर जिसे सेक्रेटरी की ड्यूटी है या किसी और की ड्यूटी है कि कॉल द रोल एंड नॉट द वोट, ये ड्यूटी किसकी है, रोल कॉल की और वोट नोट करने की, एक्चुअल में ये ड्यूटी है चेयरमैन की नॉट सेक्रेटरी की, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो जी वर्चुअल मीटिंग वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है आपका, चैप्टर 20 वर्चुअल मीटिंग, और अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको पेज नंबर 680 पर, ठीक है। अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो हमारे पास रूल 3 है, रूल 3 ऑफ कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स पावर्स, रूल्स 2014। तो जी रूल 3 पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको रूल शो कर देता हूँ, बेसिकली रूल 3 सब रूल 4, सब रूल 4 और 9 में आपको आंसर मिल जाएगा। लेट मी शो यू, हम बात कर रहे हैं कौन से रूल्स की, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, रूल्स 2014, ठीक है जी। रूल 3 क्या है हमारा, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। तो यहां पर हमारे पास सब रूल 4 है, ये रहा, एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग अ रोल कॉल शैल बी टेकन बाय द चेयरमैन, रोल कॉल का मतलब हाँ भैया बताओ कौन कौन प्रेजेंट है, अपना आइडेंटिफाई करो अपने आप को, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी हमारे पास ये देखिए पॉइंट 9 जो है, इफ अ मोशन इज ऑब्जेक्टेड टू एंड देयर इज अ नीड टू पुट इट टू वोट, द चेयरपर्सन शैल कॉल द रोल एंड नोट द वोट ऑफ ईच डायरेक्टर हु शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ वाइल कास्टिंग द वोट। तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर इन्होंने सेक्रेटरी दिया हुआ है जबकि ये ड्यूटी किसकी है, चेयरपर्सन की, जो भी चेयरमैन है, राइट। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं सर चेयरपर्सन और चेयरमैन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। चेयरपर्सन इसलिए लिखने लग गए हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई मेल ही चेयरपर्सन हो, अगर मेल ही चेयरपर्सन हो तो चेयरमैन कह सकते हैं, तो चेयरपर्सन इसलिए लिखने लग गए हैं कि भाई मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, राइट। आ जी जी अमंगेस्ट मेंशनड विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ CSR कमेटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, हाँ जी, टू मॉनिटर द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी ऑफ द कंपनी टाइम टू टाइम, टू इम्प्लीमेंट अ फॉलो अप एक्शन ऑन द अनस्पेंट अमाउंट एज इंडिकेटिव ऑफ CSR एक्सपेंडिचर, टू इंस्टीट्यूट अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड अ पॉलिसी इंडिकेटिव ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन। अब जी CSR कमेटी का काम क्या है, सबसे पहले तो पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना, राइट। तो बेसिकली टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड अ पॉलिसी इंडिकेटिव ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, तो ये तो जी है रोल फंक्शन है CSR कमेटी का, राइट। एक बार पॉलिसी डिटरमाइन हो जाएगी कि भाई CSR जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से किए जाएंगे, तो उसके बाद जी एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म तैयार करना फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये भी फंक्शन है, फिर जी उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना CSR पॉलिसी को, ये भी फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ CSR कमेटी, ठीक है जी। तो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 CSR, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर पेज की बात करूँ तो 232 ये पेज नंबर है, इस पेज नंबर पर आपको आंसर मिल जाएगा आपकी बुक की। सेक्शन तो आपको पता ही है CSR का एक ही है, ठीक है, सब सेक्शन 3 पर,
आपको आंसर मिल जाएगा, बेसिकली सीएसआर पॉलिसी रूल्स में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं बुक से शो करूं इसे तो जी हाँ जी 232 पेज नंबर पर फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी। तो जी देखिए, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड, टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, टू इंस्टीट्यूट अ ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट, टू मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी फ्रॉम ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बेसिकली ये जो थर्ड वाला है हमारे पास, सॉरी सेकेंड वाला, ये जो है ये फंक्शन नहीं है सीएसआर कमेटी का, ठीक है जी। आ जाइए जी, द एनुअल रिटर्न इन रिलेशन टू वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी शैल बी साइंड बाय होम व्हेन देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी। तो जी बेसिकली ये चैप्टर 9 है आपका, अगर आपको याद हो तो, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जी वन पर्सन कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी के केस में एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा अगर कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो, ठीक है जी। तो जी पेज नंबर 305 पर आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम सेक्शन की बात करें तो एनुअल रिटर्न का सेक्शन क्या है, सब सेक्शन 1 में आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ, सेक्शन 92 सब सेक्शन 1। हाँ जी, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर अ रिटर्न हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज एनुअल रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स एज दे स्टूड ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जी क्या क्या होने चाहिए, कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज इट्स शेयर्स डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न इट्स मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स अलोंग विद द चार्ज चेंजेस देयर इन सिंस द क्लोज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इट्स प्रमोटर्स डायरेक्टर्स KMPs अलोंग विद द चेंजेस देयर इन सिंस द क्लोज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मीटिंग ऑफ मेंबर्स और अ क्लास देयर ऑफ बोर्ड एंड इट्स वेरियस कमेटीज अलोंग विद द अटेंडेंस डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है उन्होंने, फिर लास्ट में दे रखा एंड साइंड बाय अ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो नॉर्मल कंपनीज के केस में एनुअल रिटर्न मस्ट बी साइंड बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। बट कहता है प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जनरल कंपनीज के केस में, मतलब जो वन पर्सन कंपनी नहीं है या स्मॉल कंपनी नहीं है, उनके केस में कहा गया कि जी एनुअल रिटर्न मस्ट बी साइंड बाय डायरेक्टर एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, दोनों साइन करेंगे। और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा प्लस एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने जरूरी है, राइट। लेकिन वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी केस में कहता है या तो डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वो साइन करेगा, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर साइन करेगा, ठीक है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस भी डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे। तो जी करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ठीक है जी। आ जाइए, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट, डिबेंचर होल्डर इज प्लेस्ड हाईएस्ट इन द रैंक ऑफ क्रेडिटर्स इन वाइंडिंग अप, डेफिनेटली ट्रू है। अ चार्ज इज गुड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी विद नोटिस, डेफिनेटली ट्रू है। द सिक्योरिटी अंडर एक्सक्लूसिव चार्ज इज नॉट प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर लेंडर। On crystallization, the floating charge converts into a fixed charge on the property. Definitely true है। देखिए winding up की बात करें तो debenture holders are secured charge holders basically।
secured creditors, so they are placed highest in the class of creditors. True. कहता है जी अगर किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है, वो चार्ज रजिस्टर हो जाता है, तो जी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ज इज़ गुड. मतलब कंपनी अगर वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र करती है तो मान के चला जाएगा ट्रांसफरी को पता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, राइट. तो ये भी बिल्कुल ठीक है जी. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कहता है जब फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले फॉर रिकवरिंग द मनी, तो जी वो जो फ्लोटिंग चार्ज है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है. मतलब उसके बाद फिर कंपनी उस एसेट के साथ डील नहीं कर सकती, तो वो फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाता है? फिक्स चार्ज. ट्रू है. कहता है द सिक्योरिटी अंडर एक्सक्लूसिव चार्ज इज नॉट प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर लेंडर, दिस इज फॉल्स. क्योंकि जब चार्ज क्रिएट हो जाता है तो जी उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो सिक्योरिटी है वो पर्टिकुलर लेंडर को ही प्रोवाइड की जाती है, राइट. तो जी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है चैप्टर 5 से, जो कि है ही चार्जेस, और आपको ये आंसर मिलेगा पेज नंबर 188 पर. पेज नंबर 188 पर. ये देखिए यहां पर दिया हुआ है एक्सक्लूसिव चार्ज, मतलब चार्जेस को कैटेगराइज कर रखा है, पारी पासु चार्ज, एक्सक्लूसिव चार्ज, फर्दर चार्ज. तो एक्सक्लूसिव चार्ज में दे रखा है द सिक्योरिटी अंडर द एक्सक्लूसिव चार्ज इज प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर लेंडर ओनली, राइट. तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट क्या थी? फॉल्स. आ जाइए जी. ओमनीबस अप्रूवल बाय ऑडिट कमेटी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग. ओमनीबस अप्रूवल का मतलब क्या होता है? वन टाइम अप्रूवल. जैसे मान के चलो एक फाइनेंशियल ईयर में 7 ट्रांजैक्शन होनी है, तो उन 7 ट्रांजैक्शंस के नाम की अलग अलग अप्रूवल देने की बजाय वन टाइम अप्रूवल दे दी, एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी कि जी इससे ज़्यादा आप बड़ी इससे बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. तो विद इन दैट लिमिट अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो हमारी अप्रूवल है, तो उसे हम बोलेंगे ओमनीबस अप्रूवल, जहाँ पर हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. तो ये बात कर रहे हैं बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की. किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, कि जी ऑडिट कमेटी से जो अप्रूवल लेनी होती है तो हर ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल ना लेनी पड़े, ऑडिट कमेटी ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है जो कि कितने टाइम के लिए वैलिड रहती है. तो जी वन फाइनेंशियल ईयर के लिए आंसर तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ, राइट. तो जी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके चैप्टर नंबर 10 से, जो कि है बेसिकली इंटर कॉरपोरेट लोन्स एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, राइट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. और अगर मैं पेज की बात करूं तो 340 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है. सेक्शन की बात करें तो सेक्शन है जी हमारे पास रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 177 सब सेक्शन 4 में आपको आंसर मिलेगा. रूल्स आपको देखने पड़ेंगे, रूल 6 ए ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014, ठीक है. तो वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा. वैसे मैं आपको बुक से शो कर देता हूँ. हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? ओमनीबस अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन फाइनेंशियल ईयर एंड शैल रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर. तो ओमनीबस अप्रूवल कितने टाइम के लिए वैलिड रहती है? कहते हैं जी वन फाइनेंशियल ईयर के लिए, मैक्सिमम वन फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है. तो आंसर क्या है हमारा? आ जाइए जी,
The facility for remote e-voting shall remain open for dash and shall close at 5 p.m. on the date preceding the date of the general meeting. तो जी कम से कम कितने दिनों के लिए ओपन रहनी चाहिए? चैप्टर हमारे पास है 19 जनरल मीटिंग्स. इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? पेज नंबर 653 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो रूल 20 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, तो रूल 20 में आंसर मिलेगा. ठीक है, मैं आपको रूल शो कर देता हूँ इस बार. चलिए बुक ही शो करता हूँ. पेज नंबर 653. Remote e-voting. The facility for remote e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 p.m. on the day preceding the date of the general meeting. तो कम से कम कितने टाइम के लिए e-voting open रहनी चाहिए? कहता कम से कम 3 दिनों के लिए, not less than 3 days. तो जी करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? ठीक है जी, आइए. बेनिफिट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म आर एक्सपोजर टू डिफरेंट प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, एक्सेप्शनल ऑन जॉब ट्रेनिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव. चैप्टर तो आपको याद होगा, सबसे लास्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 23, मेगा फर्म्स, राइट? और आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 733 पर. अब जी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि प्री एग्ज़ाम्स देते हुए जो भी एग्जामिनेशन पोर्टल था उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ये था. करेक्ट आंसर क्या था? एक्सेप्शनल ऑन जॉब ट्रेनिंग. ठीक है, एज पर प्री एग्जाम्स पोर्टल. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो तीनों ही ठीक है. एक्सपोजर भी मिलता है ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म के अंदर. भाई सीएस का भी काम चल रहा है, सीए का भी काम चल रहा है, सीडब्ल्यूए का भी काम चल रहा है, सीएमए का, राइट? लॉयर्स भी होते हैं तो ये एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है. एक्सेप्शनल ऑन जॉब ट्रेनिंग, बट ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्शनल जॉब ट्रेनिंग भी मिलती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको एक्सपोजर मिलता है. कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है जी. तो मेरे अकॉर्डिंग तो तीनों ही बेनिफिट है. अब पोर्टल के ऊपर करेक्ट आंसर क्या दे रखा है? एक्सेप्शनल ऑन जॉब ट्रेनिंग. तो देख लीजिएगा आप, राइट? वैसे जब आप देखेंगे पेज 733 तो आपको तीनों ही बेनिफिट्स दिखाई देंगे. आ जाइए जी, फॉर सिंगापुर कंपनीज एक्ट वेयर अ कंपनी हैज शेयर्स ऑफ ओनली वन क्लास, द एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एज ट्रेजरी शैल नॉट एक्सीड. ये क्या होते हैं शेयर्स हेल्ड एज ट्रेजरी? मतलब कंपनी जो अपने ही पास रखती है शेयर्स, वो शेयर्स जो कंपनी अपने हाथ में रखती है, अपने पास रखती है, राइट? तो हम कह सकते हैं जो कंपनी के खजाने में शेयर्स पड़े हुए हैं. तो कंपनी अपने हाथ में कितने शेयर्स रख सकती है? तो इंडिया में ये अलाउड नहीं है, बट ठीक है सिंगापुर में ये अलाउड है. तो ऐसे शेयर्स जो कंपनी अपने पास रखती है और अपने अकॉर्डिंग सेल कर सकती है, मतलब इशूड शेयर्स भी अपने हाथ में रख सकती है कंपनी इवन. ठीक है, तो इंडिया में तो क्या है कि कंपनी अपने हाथ में अपने शेयर्स नहीं रख सकती, लेकिन सिंगापुर में ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं ऐसे शेयर्स को जो कंपनी अपने पास रख सकती है अपने ही शेयर्स और अपने अकॉर्डिंग उनको सेल भी कर सकती है. तो जी ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 14 से पूछा गया है, चैप्टर 14 ग्लोबल डेवलपमेंट्स, राइट? और पेज नंबर 513 पर आपको इसका आंसर पा जाएगा. ठीक है जी, तो बेसिकली आंसर क्या है इसका? शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट दैट टाइम.
ठीक है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। आ जाइए जी, साइलेंट फीचर्स, ट्रेजरी शेयर्स, वेयर ऑर्डिनरी शेयर्स और स्टॉक्स आर परचेज्ड और अदरवाइज एक्वायर्ड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब कंपनी खुद उन शेयर्स को अपने हाथ में रख सकती है परचेज करके भी। कंपनी में होल्ड द शेयर्स और स्टॉक्स और एनी ऑफ देम और डील विद एनी ऑफ देम एट एनी टाइम एज प्रोवाइडेड हियर अंडर, राइट। तो कंपनी उनको सेल भी कर सकती है, कंपनी में ट्रांसफर सच शेयर्स, कंपनी में इवन कैंसिल सच शेयर्स, राइट। मैक्सिमम कितना दे रखा है, कहता है ट्रेजरी शेयर्स कंपनी कितना होल्ड कर सकती है, मैक्सिमम शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट दैट टाइम, किसी भी टाइम पर, राइट। इंडिया में तो क्या है, बायबैक करते हैं शेयर्स तो कंपनी को वो डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं, एक्सटिंग्विश करने पड़ते हैं, लेकिन सिंगापुर एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी अपने हाथ में रख सकती है और दोबारा से रीसेल भी कर सकती है, कंपनी ट्रांसफर भी कर सकती है कंपनी, राइट। कैंसिल चाहे तो कैंसिल भी कर सकती है। आ जाइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव आर्चिवल पॉलिसी अकॉर्डिंग टू विच। आर्चिवल पॉलिसी मतलब वेबसाइट से रिलेटेड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये ऐसी पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को हर इम्पोर्टेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कम से कम कितने टाइम तक वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर पब्लिश रहनी चाहिए और उसके बाद भी उस इन्फॉर्मेशन को कंपनी की आर्चिवल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आर्चिव कर दी जाएगी, राइट। जैसे आपने ब्लॉग्स देखे होंगे कि जी मेन इन्फॉर्मेशन तो फ्रंट पेज पे होता है, उसके अलावा फिर आपने देखा होगा कि बार बना होता है राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर, वहाँ लिखा होता है 2008, 2009, 2010। तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो 2008 के लिंक्स वो शो कर देता है, 2009 के लिंक शो कर देता है, राइट। तो मतलब उस कंटेंट को आर्चीव्ड कर दिया गया है और मेन कंटेंट जो मटेरियल कंटेंट है वो फ्रंट पेज पर शो किया जा रहा है। तो जी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी का जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है लिस्टेड कंपनी के केस में वो कितने टाइम तक वेबसाइट पर शो होनी चाहिए। तो जी मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी होस्टेड ऑन इट्स वेबसाइट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 8 years एंड देयर आफ्टर विल बी आर्चीव्ड फॉर फर्दर पीरियड एज स्पेसिफाइड इन इट्स आर्चिवल पॉलिसी। तो 8 years, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ मिनिमम 5 years, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ मिनिमम 10 years, राइट। और उसके बाद कहा हुआ है कि आर्चिवल पॉलिसी इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज। तो जी ये जो आर्चिवल पॉलिसी है इसके बारे में हमें चैप्टर 9 में बता रखा है, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स वाले चैप्टर के अंदर, और पेज नंबर 313 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वैसे अगर रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास रेगुलेशन 30 है, रेगुलेशन 30 ऑफ लोडर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस, राइट, 2015। तो लोडर का रेगुलेशन 30, मैं आपकी बुक से शो कर देता हूँ पेज नंबर 313। हाँ जी, आर्चिवल पॉलिसी रेगुलेशन क्या है, 30 ऑफ लोडर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस पॉलिसी का, टू एंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर दिस रेगुलेशन। मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस को जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई है, एंड सच इंफॉर्मेशन विच इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी इज मटेरियल इम्पोर्टेंट हैज़ टू बी मेड अवेलेबल ऑन कंपनीज वेबसाइट फॉर पब्लिक या मेम्बर्स। द मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द लिस्टेड कंपनी शैल बी होस्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years एंड देयर आफ्टर विल बी आर्चीव्ड फॉर द फर्दर पीरियड एज स्पेसिफाइड इन इट्स आर्चिवल पॉलिसी। तो कम से कम कितने टाइम के लिए वेबसाइट पर अवेलेबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, 5 years के लिए, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, आ जाइए जी, द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर
registered valuer is, हमारे पास चैप्टर 12 है कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है. बेसिकली आई थिंक सबसे लास्ट टॉपिक है रजिस्टर्ड वैल्यूअर का उस चैप्टर के अंदर. तो पेज नंबर 400 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, हाँ जी, रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर. तो जी कौन है रेगुलेटरी अथॉरिटी? कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये पावर डेलीगेट कर दी है टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI. राइट, तो जी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या हो गई हमारे पास फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है जी, उसके अलावा देखिए इंस्टीट्यूट ने ICSI ने बेसिकली एग्ज़ाम शुरू करे हैं, तो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई है. ये बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी है एक. तो अगर आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो आपको इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे. राइट, इसके ICSI RVO के एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे और फिर आपको अपने आप को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर वर्क कर सकते हैं. करेक्ट आंसर इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. हाँ जी जी, एवरी कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी विच एक्सेप्ट्स एनी डिपॉजिट्स शैल मेंटेन डेटा ऑफ ईच डिपॉजिटर. तो जी बैंकिंग कंपनी को छोड़कर बाकी अगर कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो डिपॉजिटर्स का डेटा मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है. तो पूछा गया है कि मंथ वाइज मेंटेन करना है, वीक वाइज मेंटेन करना है, ईयर वाइज मेंटेन करना है या फिर क्वार्टर वाइज मेंटेन करना है. ठीक है जी, तो डिपॉजिट वाले चैप्टर से है, डेट कैपिटल वाले चैप्टर से, चैप्टर 4 से. और रूल की बात करें तो जी रूल 14 ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014. तो मैं आपको रूल शो करता हूँ. रूल 14 ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014. रजिस्टर्स ऑफ डिपॉजिट्स, अब देखिए रूल में दिया हुआ है 7 डेज, वीक नहीं दिया हुआ. ये नहीं कहा हुआ कि वीकली बेसिस पर रजिस्टर मेंटेन किया जाए, बल्कि दिया हुआ है कि एंट्री विद इन 7 डेज हो जानी चाहिए. द एंट्री स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, मतलब डिपॉजिट्स रिलेटेड, शैल बी मेड विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ द रिसिप्ट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय अ डायरेक्टर और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और बाय एनी अदर ऑफिसर एज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर दिस पर्पस. तो जी रूल्स में क्या दिया हुआ है, 7 डेज. राइट, वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ठीक है 7 डेज को हम क्या कंसिडर करेंगे, वीकली बेसिस पर. दिस इज द करेक्ट आंसर इवन एज पर प्री एग्जामिनेशन पोर्टल, दिस इज द करेक्ट आंसर. आ जाइए जी, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू, कौन सी कंपनीज के ऊपर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता? स्मॉल कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज या सेक्शन 8 कंपनीज, कौन सी कंपनीज के ऊपर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते? राइट, चैप्टर याद है आपको, सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 22nd और सेक्शन जो कि ये कहता है कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कंप्लाई करना मैंडेटरी है, एटलीस्ट सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 ये कंप्लाई करना मैंडेटरी है. सेक्शन कौन सा है हमारा? ठीक है, तो मैं सेक्शन शो करता हूँ आपको.
Section 118 Section 118 Minutes of Proceedings of General Meeting, Minutes of Board of Directors and other meeting and resolutions passed by postal ballot. Subsection 10 baat kar rahe secretarial standard ki. Subsection 10 keh raha hai, every company shall observe secretarial standards with respect to general and board meeting. Matlab secretarial standard 1 and secretarial standard 2. Theek hai? By ICSI. अब जी यहां पर हमारे पास exemption क्या दे रखी है? In case of section 8 company, the section shall not apply as a whole. पूरा section applicable नहीं है, except that the minute may be recorded within 30 days of the conclusion of every meeting. In case of the companies where the articles of association provide for confirmation of the minutes by circulation. तो कहता है जी पूरा ही सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट क्या एप्लीकेबल है कि मिनट्स शैल बी रिकॉर्डेड विद इन 30 डेज, वो भी कब, इफ द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सच सेक्शन 8 कंपनी प्रोवाइड्स फॉर द कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन. तो 30 डेज के अंदर अंदर मिनट्स रिकॉर्ड करना भी तब एप्लीकेबल है जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि मिनट्स शैल बी कंफर्मड बाय सर्कुलेशन. ठीक है, अदरवाइज ये पूरा ही सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. जब ये पूरा ही सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है तो सेक्शन 10 भी और सब सेक्शन 10 भी एप्लीकेबल नहीं है. इसका मतलब सेक्शन 8 कंपनीज के केस में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी नहीं है कंप्लाई करना. राइट, तो जी करेक्ट आंसर क्या है हमारा? तो सिर्फ कंपनी लॉ के प्रोविजंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो एग्जम्पशंस हैं अलग अलग नोटिफिकेशंस में, वो एग्जम्पशंस भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट, और अपनी बुक का तो कोई भी लाइन कोई भी पैराग्राफ छोड़कर मत जाइएगा. इसीलिए हम लोगों ने इवन अपना टीचिंग पैटर्न भी चेंज कर दिया. अब हम लोग जो टीच कर रहे हैं वो डायरेक्टली बुक से टीच कर रहे हैं. मतलब याद कीजिए, नोट से कोई दिक्कत नहीं है, पर बट एक बार पूरी बुक पढ़ना ज़रूरी है. राइट, आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब तक आप अपनी ICSI के स्टडी मटेरियल को कम्प्लीटली रीड नहीं करते तब तक मान के चलिएगा एग्ज़ाम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल है. अल्टीमेटली एग्ज़ाम्स आपकी बुक से आने वाले हैं, क्वेश्चंस आपकी बुक से आने वाले हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज नॉट मैंडेटेड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन XBRL मोड. ऑल कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹5 crore और अबव एंड अबव. All companies having turnover of ₹100 crore and above. तो यहाँ पर turnover की बात चल रही है. फिर कह रहा है all companies having paid up capital of ₹5 crore and above. All companies listed with any stock exchange in India and their Indian subsidiaries. तो जी कहता है किसके लिए XBRL mode में financial statements mandatory नहीं है. आरओसी के पास फाइल करना XBRL मोड में मैंडेटरी नहीं है. हाँ जी, आपका चैप्टर 13 है, बेसिकली MCA 21 एंड XBRL के ऊपर ये चैप्टर है. और पता नहीं ICSI ने इस चैप्टर को कैसे डिज़ाइन किया है, इसमें बहुत सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है. राइट, आपको आंसर मिलने वाला है पेज नंबर 466 पर. और अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल है 3, रूल 3 ऑफ कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन XBRL रूल्स 2015. ठीक है, तो जी रूल ही देखते हैं. रूल 3, कहाँ गया जी XBRL रूल्स? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन XBRL रूल्स 2015, रूल 3, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद
registrar ROC. Hanji, the following class of companies shall file their financial statements and other documents under section 137, basically related to financial statements, right? Filing of financial statements. तो कहता है जी कौन सी कंपनीज XBRL फॉर्मेट के अंदर फाइल करेगी. कंपनीज लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरी. तो कोई भी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और उनकी इंडियन सब्सिडरी, उनके लिए मैंडेटरी हो गया XBRL फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करना. फिर जी कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 crore रुपीज और अबव. Companies having turnover of 100 crore rupees or above. Companies which are required to prepare their financial statement in accordance with the Companies Indian Accounting Standard Rules 2015. तो जी यहाँ पर चार categories की companies बताई गई जिनको XBRL format में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के पास फाइल करना मैंडेटरी है, राइट. ऐसी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है प्लस उनकी इंडियन सब्सिडरीज, ऐसी कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 5 crore रुपए या उससे ज़्यादा है, ऐसी कंपनीज जिनकी टर्नओवर 100 crore रुपए या उससे ज़्यादा है, ऐसी कंपनीज जिनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 प्रिपेयर करना कंपल्सरी है, ठीक है जी. तो पेड अप कैपिटल 5 crore और अबव, टर्नओवर 100 crore और अबव. तो जी करेक्ट आंसर क्या हुआ, इनको मैंडेटरी है. ठीक है, अच्छा जी, टर्नओवर 100 crore एंड अबव मैंडेटरी है, पेड अप कैपिटल 5 crore और अबव मैंडेटरी है. कहता है ऑल कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 5 crore. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ 5 crore है, टर्नओवर ऑफ रुपीज 5 crore एंड अबव, राइट. तो जी इस केस में मैंडेटरी. अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट. टर्नओवर 100 crore और अबव, ठीक है, पेड अप कैपिटल 5 crore और अबव, ये भी ठीक है, और लिस्टेड कंपनीज और उनकी इंडियन सब्सिडरी, ये भी ठीक है. चलिए जी, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल गिव अ डिक्लेरेशन दैट ही मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही हूँ, विच इज टू बी गिवन बाय हिम. कब देना जी, कहता एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज ए डायरेक्टर एंड देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर और वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टांसिस. तो जी जब वो डायरेक्टर बनता है, डायरेक्टर बनने के बाद जब भी वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है तब, हर फाइनेंशियल ईयर में जब भी वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है तब भी, या फिर जब भी उसकी पोजिशन में कोई चेंज आता है तब भी, ठीक है. फिर कह रहे जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट शुड कंटेन अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैव गिवन सच अ डिक्लेरेशन टू द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर और व्हेन एवर देयर इज एनी चेंज इन सर्कमस्टांसिस. तो जी सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है उसके अंदर भी इस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हाँ जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने ये डिक्लेरेशन दे दी है और फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए डिक्लेरेशन दी जाती है या जब भी सिचुएशन चेंज होती है तभी ये डिक्लेरेशन दी जाती है बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. दोनों ही ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, राइट. तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर 16 है हमारे पास, डायरेक्टर्स, और अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो 149. सेक्शन तो आपको याद ही होगा, राइट. सब सेक्शन 7 बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ही है. तो जी 555, पेज नंबर 555 पर आपको ये आंसर मिल जाएगा. आ जाइए जी, एबीसी लिमिटेड विशेस टू इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. बेसिकली यहां पर फुल स्टॉप आना चाहिए था और यहां पर आना चाहिए था.
You are advised to guide the board of directors on maximum percentage the company share can issue such shares. तो कुल मिलाकर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी वांट्स टू इश्यू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स DVRs. आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को गाइड कीजिए, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइड कीजिए कि कंपनी मैक्सिमम कितने परसेंट शेयर्स इशू कर सकती है, कौन से इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट. हाँ जी, नॉट एक्सीडिंग 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स. नॉट एक्सीडिंग 40%, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है. तो 26%, 40%, 36% और 6% बात कर रहे हैं ऑफ टोटल पोस्ट इशू कैपिटल. पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल का मतलब मान के चलिए कंपनी की अभी कैपिटल है लेट्स से 100 शेयर्स, कंपनी स्वेट ये DVRs इशू कर रही है 20, तो पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर्स क्या हो गए हमारे पास 120. तो 120 का कितना परसेंट बन रहा है 20, भाई 120 में से 20 ही तो DVRs है ना, तो 120 का कितना परसेंट बन रहा है 20. इस तरह पोस्ट इशू की बात कर रहे हैं, जो पहले थी कंपनी की प्लस जितने DVRs इशू करे, टोटल मिलाकर ये क्या होगी पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका कितना परसेंट हो सकता है मैक्सिमम DVRs. तो मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है 26%. ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है शेयर कैपिटल, वहां से पूछा गया क्वेश्चन, पेज नंबर 46 पर आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो रूल 4 है ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014. रूल शो कर देता हूं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014, रूल 4 इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स. हाँ जी, तो रूल 4 में कंडीशंस दे रखी है, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज अनलेस इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशंस. तो जी यहाँ पर कंडीशंस दे रखी है और यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है, द शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर DVRs shall not exceed 26% of the post issue paid up equity share capital of the company. ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इज 26%. आ जाइए जी, ABC Limited received 5 crore rupees by the way of commercial paper, which of the contention is correct. तो commercial paper के through जो पैसा receive हुआ है, क्या उसे deposit treat किया जा सकता है? तो which of the contention is correct? It shall be treated as deposit unless confirmation letter are not sent. It shall be treated as deposit. It shall not be treated as deposit. Any amount above rupees 3 crore shall be treated as deposit. Basically, जो पैसा commercial paper के through raise किया जाए, commercial paper sell करके raise किया जाए, issue करके raise किया जाए, उसको डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाता. ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर 4 है डेट कैपिटल, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, पेज नंबर 167 पर आपको आंसर मिल जाएगा. अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो हमारे पास रूल 9 है ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014. तो जी देखिए, आपकी बुक शो करती है, एप्लीकेबिलिटी कहता है जी किसे डिपॉजिट कंसीडर किया जाएगा, किसे डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो जी जो डिपॉजिट रिलेटेड सेक्शंस है, सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 शैल नॉट अप्लाई टू, ठीक है,
किस केस में अप्लाई नहीं होंगे? क्या था? बैंकिंग कंपनी के केस में, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया, अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, राइट। फर्दर कहता जी जो डिपॉजिट की डेफिनेशन है ना उसमें से इन सारे अमाउंट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, दे शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। तो डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पर हमारे पास कमर्शियल पेपर आता है, देखिए ध्यान से पॉइंट फिफ्थ को, एनी अमाउंट, कोई लिमिट नहीं दे रखी, क्या रखा है, एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ कमर्शियल पेपर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस और नोटिफिकेशंस इशूड बाय द आरबीआई। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करके अगर फंड्स रेज किए जाते हैं एज पर द गाइडलाइंस एज पर द नोटिफिकेशंस इशूड बाय आरबीआई, तो जी इवन कमर्शियल पेपर इशू करके फंड्स रेज किए जाते हैं तो सच फंड्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स, राइट। तो जी करेक्ट आंसर इज इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, ठीक है जी। नाउ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये आप खुद करेंगे, मुझे बताएंगे या तो कमेंट कर या फिर व्हाट्सएप पर, ठीक है। मिस्टर ए इज अ रिटायर्ड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ एक्स जेड लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ टी ई ई लिमिटेड सिंस 5 years। मिस्टर ए इज नाउ बीइंग ऑफर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन टी ई ई लिमिटेड, गाइड द बोर्ड ऑन हिज अपॉइंटमेंट। तो जी बेसिकली मिस्टर ए एक्स जेड लिमिटेड के डायरेक्टर थे, रिटायर हो चुके, 5 साल पहले रिटायर हो चुके, सिंस 5 years, रिटायर्ड सिंस 5 years, 5 साल पहले रिटायर हो चुके। ये जो एक्स जेड लिमिटेड है इट इज़ द सब्सिडरी ऑफ टी ई ई लिमिटेड, ठीक है। अब जी रिटायर हुए, 5 साल हो चुके, अब मिस्टर ए के पास ऑफर आया है टी ई ई लिमिटेड में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने का, तो क्या मिस्टर ए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 options। मिस्टर ए हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ अ की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ टी ई ई लिमिटेड विच इज सब्सिडरी ऑफ एक्स जेड लिमिटेड, यहां पर आना चाहिए एक्स जेड लिमिटेड और यहां पर आना चाहिए टीईई लिमिटेड। तो मिस्टर ए हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ एक्स जेड लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ टीईई लिमिटेड बट द पोजीशन वॉज हेल्ड 5 years बैक, हेंस ही मे बी अपॉइंटेड as the law debars a person to be appointed as independent director if he was associated with the company or its holding subsidiary or associate company in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। तो जी जो option 1 है उसके according ये कहा जा रहा है कि although Mr. A एक्स जेड लिमिटेड में डायरेक्टर थे, होल टाइम डायरेक्टर थे, तो की मैनेजरियल पर्सनल थे एक्स जेड लिमिटेड में, जो कि किसकी सब्सिडरी है, टी ई ई लिमिटेड की सब्सिडरी है, राइट। लेकिन अगर हम सेक्शन 149 देखते हैं तो जी वहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जी 3 साल के बाद बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, अगर 3 साल हो चुके रिटायर हुए तो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है और फिर उसी इंसान को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है बाय द होल्डिंग कंपनी, बाय द सब्सिडरी कंपनी या बाय द एसोसिएट कंपनी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एज ही वॉज एसोसिएटेड विद द सब्सिडरी कंपनी एंड नॉट द पेरेंट कंपनी ही कैन बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द पेरेंट कंपनी। तीसरा ऑप्शन, मिस्टर ए हैज़ हेल्ड द पोजिशन ऑफ द की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ है, क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है,
which is a subsidiary of TEE Limited, but the position was held 5 years back. Hence, he may be appointed as the law debars a person to be appointed as independent director if he was associated with the company or its holding subsidiary or associate company in any of the two financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed. तो पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में तीसरे ऑप्शन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जी यहाँ पर थ्री फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टू फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर फाइव फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपको बताना है कि क्या मिस्टर ए टीईई लिमिटेड में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते. आपके पास सामने सिचुएशन है कि वो पहले एक्स जेड लिमिटेड के डायरेक्टर थे जो कि टीईई लिमिटेड की सब्सिडरी है, लेकिन उनको डायरेक्टरशिप छोड़े हुए, उनको रिटायर हुए 5 साल हो चुके हैं, राइट? फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश फाइल्स अ कॉपी ऑफ अप्रूव्ड स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रजिस्ट्रार. तो जी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के केस में हु शैल फाइल द कॉपी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रजिस्ट्रार? ट्रांसफर कंपनी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी सेक्रेटरी, ट्रांसफर कंपनी, राइट? तो ये दो आपके होमवर्क है. अगर आप इनके आंसर्स देंगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी क्वेश्चंस के साथ मैं ये क्वेश्चंस तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, राइट? चलिए जी, टेक केयर एंड एंजॉय दिस वीडियोज़.